चुनावी संग्राम के बीच जेजेपी को लगा बड़ा झटका। जेजेपी के दिग्गज नेता कई नगर पार्षद व सरपंच सहित कांग्रेस में होंगे शामिल, मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा में जेजेपी पार्टी से हांसी हलके से पूर्व में प्रत्याशी रहे व पूर्व हलका अध्यक्ष राहुल मक्कड़ सोमवार को दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व पार्टी के अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि राहुल मक्कड़ के कांग्रेस में शामिल होने पर हिसार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी को मजबूती मिलेगी। राहुल मक्कड़ ने 10 दिन पूर्व जेजेपी के हलका अध्यक्ष पद से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को अपना त्यागपत्र भेज दिया था। राहुल मक्कड़ ने 2019 में जेजेपी के टिकट पर हांसी विधानसभा से चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार विनोद त्याना ने राहुल मक्कड़ को 20,000 वोटों के अंतराल से हराया था। 2 महीने पूर्व राहुल मक्कड़ के आवास पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी जलपान समारोह में पहुंचे थे। उसी समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल मक्कड़ किसी भी समय जेजेपी को छोड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें, इस बारे में राहुल मक्कड़ से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जेजेपी पार्टी को छोड़ने के लिए उनके साथियों ने दबाव बनाया था और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की बात भी हलके के लोगों से विचार विमर्श करके फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि आज राहुल मक्कड़ के साथ कई नगर पार्षद व सरपंच भी कांग्रेस में शामिल होंगे। राहुल मक्कड़ हांसी से 3 बार विधायक रहे। स्वर्गीय अमीर चंद मक्कड़ के पोते हैं। पूर्व विधायक अमीर चंद मक्कड़ का 9 वर्ष पूर्व 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। अमीर चंद मक्कड़ 1982, 1991, 2005 में हांसी से विधायक बने। 1982 में MITC, 1991 में हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन बने। उनकी गिनती वरिष्ठ पंजाबी नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के नज़दीकियों में की जाती थी।